हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संगम पीरियड के बारे में जानते हैं, लेकिन संगम पीरियड के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि संगम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संगम का मतलब होता है किसी चीज़ का आपस में मिक्स हो जाना। संगम का मतलब होता है एसोसिएशन या फिर कॉन्फ्रेंस। तो किसका एसोसिएशन या फिर किसका कॉन्फ्रेंस? तो तमिल पोइट्स का कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, जिसे संगम कहा गया। अब इस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी लिटरेचर कंपोज्ड किए गए, जिसे कहा गया संगम लिटरेचर। और ये जो ईरा था जहाँ पर सारे लिटरेचर कंपोज्ड किए गए, कॉन्फ्रेंस हुए, वो हुआ इन बिटवीन 300 BC to 300 AD। इसलिए 300 BC to 300 AD में जितने भी लिटरेचर कंपाइल्ड किए गए, कंपोज्ड किए गए, उसे संगम लिटरेचर कहा गया। अब ये जो संगम लिटरेचर है, ये काफ़ी कोर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जिससे हमें 2nd BC to 2nd AD के बीच का डिटेल मिल जाता है। मतलब इन बिटवीन 2nd BC to 2nd AD साउथ इंडिया में क्या हुआ था, इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह संगम लिटरेचर ये एक मेन सोर्स है, जिससे हमें साउथ इंडियन किंगडम के बारे में पता चलता है। यानी कि द अर्ली चोला, चेरा, पांड्या, ये एग्जिस्ट करते थे, इसके बारे में बताता है संगम लिटरेचर। अब अर्ली चोला इसलिए कहा गया क्योंकि चोला को पल्लवाज ने एक्वायर कर लिया था। चोला मार्जिनलाइज हो गया था काफ़ी सेंचुरी तक, फिर अगेन 8th to 9th century में लेटर चोला, इंपेरियल चोला, फिर से डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 3 संगम्स ऑर्गेनाइज किया गया तमिल रीजन में, और इस संगम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी पेट्रोनेज दिया गया, वो पांड्या रूलर्स के द्वारा दिया गया था। और तीनों संगम पांड्या में ही हुए थे, पांड्या रीजन में ही हुए थे। तो जो स्टार्टिंग के 2 संगम हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि वो 10,000 से 30,000 साल पहले शुरू हुए और लगातार होते रहे एक के बाद एक। बट ये विवाद का इशू है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब नॉर्थ इंडिया में कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा था, तब साउथ इंडिया मेगालिथ कल्चर में ही जी रहा था। यानी कि जब नॉर्थ इंडिया में महाजनपद बनने लग गए, कल्चरल डेवलपमेंट चालू हो गया, फिर भी साउथ इंडिया में मेगालिथ कल्चर ही फॉलो किया जा रहा था। मतलब वो अपने कल्चर के लिए नहीं, बल्कि ग्रेवयार्ड्स के लिए जाने जा रहे थे। सो ये बात मानना कि ये जो स्टार्टिंग के 2 संगम हुए, ये 10,000 से 30,000 साल पहले चालू हुए, ये बात एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जब कभी भी हम संगम पीरियड या संगम लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम 3rd संगम पीरियड या 3rd संगम लिटरेचर के बारे में जान रहे हैं। या फिर कई 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 बुक में मेंशन किया जाता है संगम पीरियड, संगम लिटरेचर, तो बाय डिफॉल्ट हम उसे 3rd संगम पीरियड या 3rd संगम लिटरेचर ही कंसिडर करेंगे। तो अब जानते हैं 1st संगम के बारे में। 1st संगम हुआ था ओल्ड मदुरई में, बट अब ये जगह ओल्ड मदुरई एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा माना जाता है कि वो सी में सबमर्ज्ड हो चुकी है। यानी कि पहला संगम जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, वो था ओल्ड मदुरई, बट कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस होने के कारण ये ओल्ड मदुरई जगह अब एग्जिस्ट नहीं करती और सी में सबमर्ज्ड हो चुकी है। 1st संगम जो हुआ, इसे ऑर्गेनाइज्ड किया गया आचार्य अगस्त्य के चेयरमैनशिप में, और इस संगम को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए पेट्रोनेज दिया गया 89 पांड्या रूलर्स के द्वारा। और ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया में जो आर्यन कल्चर डेवलप हुआ था, तो अगस्त्य, आचार्य अगस्त्य के द्वारा ही इस कल्चर को, आर्यन कल्चर को, साउथ इंडिया में स्प्रेड किया गया था। सो इस 1st संगम में कुछ मेजर टेक्स्ट कंपाइल किए गए, जैसे अक्तियम, मुदुनरे, एक्सेट्रा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस पीरियड के जो सारे टेक्स्ट हैं, वो वैनिश्ड हो चुके हैं, अवेलेबल नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि अक्तियम ये अगस्त्य के द्वारा ही लिखी गई थी। अक्तियम ये पहली ग्रामर बुक थी जो अगस्त्य के द्वारा लिखी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये बुक अवेलेबल नहीं है। और जो 2nd है मुदुनरी, ये भी बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब जानते हैं 2nd संगम के बारे में। 2nd संगम ऑर्गेनाइज्ड की गई थी कवत्तपुरम में। कवत्तपुरम को कपत्तपुरम भी कहते हैं, बट ऐसा माना जाता है कि कवत्तपुरम जहाँ पर ये 2nd संगम ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, ये सी में सबमर्ज्ड हो चुका है, जस्ट ठीक 1st संगम के तरह। 1st संगम जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड किया गया था ओल्ड मदुरई, वो भी सी में सबमर्ज्ड हुआ है। ठीक इसी तरह 2nd संगम जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड किया गया था कवत्तपुरम, ये भी सी में सबमर्ज्ड हो चुका है। अगेन 2nd संगम को ऑर्गेनाइज्ड किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अगस्त्य, जैसे 1st संगम को भी ऑर्गेनाइज्ड किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अगस्त्य। बट इस 2nd संगम में कुछ समय बाद अगस्त्य को रिप्लेस करते हैं उनके डिसिपल तोलकापियर। 2nd संगम ऑर्गेनाइज्ड किया गया था पांड्या किंगडम में, और उस समय पांड्या किंग जो रूल कर रहे थे, वो थे नीलम थरु थिरुवेल। तो पांड्या किंगडम के कोर्ट पोएट थे तोलकापियर, और तोलकापियर ये अगस्त्य के 12 डिसिपल में से एक थे। तोलकापियर का दूसरा नाम था त्रणादुमग्नि।
और आचार्य अगस्त्य के वाइफ का नाम था लोपामुद्रा। अगेन इस सेकेंड संगम को पेट्रोनेज दिया गया 59 पांड्या रूलर्स के द्वारा। इस सेकेंड संगम में लगभग 2000 पोयम्स को कलेक्ट किया गया, जैसे कि मपुरनम, वयालमय, तोलकापियम एक्सेट्रा। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली मपुरनम और वयालमय ये बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और हमारे पास बस तोलकापियम ये बुक अवेलेबल है, जो कि तमिल ग्रामर बुक है जिसे लिखा गया है तोलकापियर के द्वारा। और इस संगम के सारे जो काम है वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं और हम सिर्फ तोलकापियम को प्रिजर्व कर पाए हैं। वैसे तो आचार्य अगस्त्य के द्वारा लिखी गई पहली तमिल ग्रामर बुक थी अक्तियम, बट अनफॉर्चुनेटली ये बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जबकि तोलकापियर के द्वारा लिखी गई तोलकापियम तमिल ग्रामर बुक हमारे पास अवेलेबल है। अब जानते हैं थर्ड संगम के बारे में। थर्ड संगम हुआ था नॉर्थ मदुरई में, और नॉर्थ मदुरई ये जगह एग्जिस्ट करती है। इस थर्ड संगम से हमारे पास इनफ एविडेंस अवेलेबल है, इनफ लिटरेचर अवेलेबल है, जिससे साउथ इंडियन किंगडम के बारे में हम जान सकते हैं। थर्ड संगम को ऑर्गेनाइज्ड किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नक्कीरल, और इस थर्ड संगम को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए पेट्रोनेज दिया गया 49 पांड्या रूलर्स के द्वारा। थर्ड संगम के मेजर कंपोजिशंस थे नेदुन थोके, कुरुन थोके, पदिलापत्तू, पारिपडल एक्सेट्रा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द अवेलेबल संगम लिटरेचर इज कंसिडर्ड एज द लिटरेचर ऑफ द थर्ड संगम। हम जब कभी भी संगम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो संगम लिटरेचर है ये थर्ड संगम के है। इस संगम से 30,000 लाइन ऑफ पोइट्री को अरेंज किया गया और उसे 8 एंथोलॉजीज में डिवाइड किया गया। एंथोलॉजीज मतलब पार्ट, या फिर कहे हिस्से। तो 8 हिस्से में इन 30,000 लाइन ऑफ पोइट्री को अरेंज किया गया, जिसे कहा गया इतुत्तुकोई। और दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, पहला पति नेनकिल और दूसरा पट्टू पट्टू। पट्टू पट्टू में 10 सॉन्ग्स है और पति नेनकिल में 18 लोअर कलेक्शंस है। कूरल या कहे मुप्पल ये पार्ट है पट्टिनेनकिल का। पट्टिनेनकिल को पट्टिनेनकिला नक्कू भी कहा जाता है, जिसे तिरुवल्लवूर के द्वारा लिखा गया है, और इस पट्टिनेनकिला नक्कू को द बाइबल ऑफ तमिल लैंड भी कहा जाता है। ये पॉलिटी, एथिक्स एंड सोशल नॉर्म्स पर, नियमों पर आधारित एक ग्रंथ है। सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो इस थर्ड संगम में जो लिटरेचर कंपाइल किए गए उसे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, पहला आगम और दूसरा पूरम। आगम में लव स्टोरीज के बारे में बताया गया है, और पूरम में किंग्स के बारे में बताया गया है और किंग्स की ब्रेवरी के बारे में बताया गया है। अब जानते हैं संगम लिटरेचर के कुछ इम्पोर्टेंट एपिक्स के बारे में, जिसमें सीलापदईकरम और मनी मेकली, इन्हें द ग्रेट ट्विन एपिक्स कहा जाता है, एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ पोयम्स। शिल्पादिकरम को लिखा गया है इलांगो अदिगल के द्वारा। अब इलांगो अदिगल ये कोई साधारण पोएट नहीं थे, बल्कि ये राजा थे चोला एम्पायर के, यानी कि चोला एम्पायर के जो राजा थे करिकल, उनके ग्रैंडसन थे इलांगो अदिगल। तो इलांगो अदिगल द्वारा ये एपिक लिखा गया है शिल्पादिकरम। अब इस एपिक को जानना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस एपिक से हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डायमेंशन का पता चलेगा। तो शिल्पादिकरम एपिक की आधी स्टोरी हुई है चोला एम्पायर में और आधी स्टोरी हुई है पांड्या एम्पायर में। तो ये एपिक एक ट्रेजिक लव स्टोरी है एक ऑर्डनरी कपल की, जिसमें लड़की का नाम है कनकी, कनकी को कनगी भी कहा जाता है, और लड़के का नाम है कोवलन। अब कनकी और कोवलन एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। बट धीरे धीरे टाइम के साथ कोवलन को माधवी नामक लड़की से प्यार हो जाता है। माधवी को मातवी नाम से भी जाना जाता था। तो अब कोवलन माधवी के प्यार में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो उनकी पत्नी कनकी को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। बट कनकी कहीं ना कहीं कोवलन से अभी भी प्यार करती है और वो चाहती है कि वो वापस आ जाए। तो एक बार इंद्र भगवान की पूजा के लिए एक फंक्शन आयोजित किया जाता है, जिसमें कोवलन और माधवी कुछ पोयम्स कहते हैं। तो कोवलम पोयम के द्वारा बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि माधवी उन्हें धोखा दे रही है और माधवी का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर माधवी उस पोयम पर रिप्लाई करके एक पोयम बोलती है, जिसमें वो कहती है कि कैसे एक पति ने अपने पत्नी को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ रहने लग गए और कैसे पत्नी को धोखा दिया। कोवलन ये सब सुनते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और काफी समय से उन्हें माधवी पर शक भी था, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी पत्नी के पास वापस चले जाते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। और उनकी पत्नी कनगी उन्हें माफ भी कर देती है और बताती है कि उनके जाने से, यानी कि कोवलन के दूर जाने से कनकी को कितना दुख दर्द सहना पड़ा।
फिर कोवलन और कनक की एक नई जिंदगी शुरू करने का डिसाइड करते हैं, जिस वजह से वो एक नई जगह जाकर अपनी जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये सब घटना हुई चोला में। अब कोवलन और कनगी अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए पड़ोसी राज्य पांड्या किंगडम में चले जाते हैं। अब उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, तो गुजारा कैसे करेंगे? तो कनकी के दोनों हाथों में एक एक गोल्ड का ब्रेसलेट था। तो कनकी अपने एक हाथ का गोल्ड का ब्रेसलेट देती है कोवलन को उसे बेचने के लिए, और कहती है सोनार के पास जाकर उसे बेच के आइए। और जब कोवलन सोनार के पास जाते हैं, वो सोनार पहले से ही महारानी का कंगन चुरा चुके होते हैं, जिसके लिए खोजबीन चल रही होती है कि असली चोर कौन है। तो जब कोवलन कनगी के द्वारा दिया गया कंगन लेके सोनार के पास पहुंचते हैं, तो वो महारानी के कंगन से मैच होता है। तो सोनार मौके का फायदा उठाते हैं और सेना को बुलाते हैं और कोवलन को सेना के हवाले कर देते हैं, ये कहकर कि महारानी का कंगन इसने चुराया है। कोवलन को राजदरबार ले जाया जाता है और उस पर सही तरीके से ट्रायल भी नहीं चलाया जाता और कोवलन को मौत की सजा सुनाई जाती है। कंगन चुराने की वजह से जान से मार दिया जाता है। जब ये सब बात कनकी को पता चलती है, तो वो अपने दूसरे हाथ का कंगन लेकर राजदरबार पहुंच जाती है और कहती है कि मेरे पति निर्दोष थे। अपने दूसरे हाथ का कंगन दिखाती है और कहती है कि वो पहला कंगन मेरा ही था। तब राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और कनगी सबको श्राप देती है, और जिस वजह से राजा की अकाल मृत्यु हो जाती है और सभी लोग पीड़ित हो जाते हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। पांड्या किंगडम में आग लग जाती है और सब लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और फिर भगवान इंद्र स्वयं धरती पर आकर कनगी को स्वर्ग ले जाते हैं। जब इसके बारे में माधवी को पता चलता है, माधवी मतलब कोवलन की प्रेमिका, तो माधवी को ये सब पता चल जाता है, तो वो बहुत दुखी हो जाती है, राजदरबार छोड़ देती है और बुद्धिज्म स्वीकार कर लेती है। तो ये स्टोरी बताने का मोटिव ये है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल डायमेंशन को दर्शाता है, यानी कि ये एपिक लिखा गया है इलांगो अदिगल के द्वारा, जो चोला एम्पायर के राजा थे, बट वो कहीं ना कहीं पांड्या एम्पायर के राजा को ब्लेम कर रहे हैं कि पांड्या एम्पायर के राजा प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते थे, ऐसा दिखाया गया है। अब सेकेंड एपिक है मनी मेखलई। मनी मेखलई ये शिल्पादिकारम का सीक्वल है। जैसे शिल्पादिकरम से हमने जाना कि कोवलन की प्रेमिका माधवी थी, तो कोवलन और माधवी से उन्हें एक लड़की हुई जिसका नाम था मनी मेखलई। मनी मेखली एपिक को लिखा गया पोएट सत्यनार के द्वारा। सत्यनार का दूसरा नाम था चित्तलई चत्तनार। सत्यनार को सीतलई सत्यनार के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली सत्यनार जिस जगह से आए थे उस जगह का नाम था सिरथानदलई। सिरथानदलई को बाद में कुछ समय में सीथालई के नाम से जाना गया, इसीलिए वो आए थे सीथालई जगह से और उनका नाम था सतनार, इसलिए उन्हें कहा गया सीथालई सतनार। सतनार मदुरई के ग्रेन मर्चेंट थे और इसीलिए उन्हें कुलावनिगन कहा गया। वो चेरा के राजा सेंगुत्तुवन के कंटेम्पररी थे और बुद्धिज्म प्रैक्टिस को फॉलो करते थे। मनी मेखलई एपिक में लव अफेयर बताया गया है बिटवीन द मनी मेखलई एंड द चोला प्रिंस उदय कुमारन। मनी मेखलई कौन थी? वो डॉटर थी माधवी और कोवलन की, और मनी मेखलई बहुत ही सुंदर और ग्रेट डांसर थी और वो बुद्धिज्म को फॉलो करती थी। मनी मेखलई के फिजिकल ब्यूटी से और आर्टिस्टिक अचीवमेंट से चोला के प्रिंस उदय कुमार मनी मेखलई के लिए अट्रैक्शन फील करते थे। उन्होंने उसे प्रपोज किए, बट मनी मेखलई ये बुद्धिज्म को फॉलो कर रही थी, महायना ग्रुप की भिक्षुनी थी, तो उन्होंने इस ह्यूमन टाइज से अपने आप को दूर रखना ही ठीक समझा, इसीलिए उन्होंने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, जबकि मनी मेखलई भी कहीं ना कहीं उदय कुमार के लिए अट्रैक्शन फील करती थी। तो इस तरह की स्टोरी बताई गई है मनी मेखलई एपिक में। थर्ड एपिक है जीवक चिंतामणि, ऑथर्ड बाय अ मदुरई बेस्ड जैन एसेटिक तिरुत्त कातेवर इन 10th सेंचुरी। ये एपिक एक सुपर नेचुरल फैंटेसी स्टोरी है एक प्रिंस की, हु इज परफेक्ट मास्टर ऑफ ऑल आर्ट्स, परफेक्ट वॉरियर एंड ए परफेक्ट लवर, जिसकी बहुत सारी वाइफ है। ये एपिक एक जीवक नाम के वॉरियर की है, उस जीवक नाम के अमेजिंग वर्क के बारे में बताया गया है। ये एपिक चालू होती है विद द स्टोरी ऑफ ट्रीचेरियस कूप। ट्रीचेरियस कूप को सिंपल वर्ड में कह सकते हैं अनट्रस्टवर्दी गवर्नमेंट, जिसमें राजा जो है उसकी प्रेग्नेंट क्वीन को किस तरह से पीकॉक शेप्ड एयर मशीन से छुड़ाने में मदद करता है, बट इस बीच में खुद की उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी जो क्वीन प्रेग्नेंट क्वीन है वो एक बेबी बॉय को जन्म देती है, और वो क्वीन अपने बॉय छोटे बच्चे को
क्वीन के लॉयल सर्वेंट को सौंप देती है उसको बड़ा करने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए, और खुद एक नन बन जाती है, यानी कि भिक्षुणी बन जाती है, बुद्धिज्म स्वीकार लेती है। अब वो जो बॉय है वो एक ऑर्डिनरी सर्वेंट के घर पे बड़ा होता है, एंड ही इज द वन हु इज परफेक्ट इन एवरी आर्ट, एवरी स्किल एंड एवरी फील्ड ऑफ नॉलेज। वो सारे वॉर को जीत लेता है, अपने सारे दुश्मनों का खात्मा कर लेता है, और काफी लड़कियों से, प्रीति गर्ल से वो शादी करता है, उनसे बहुत सारे बच्चे पैदा करता है। और उसके फादर द्वारा जो भी किंगडम लॉस्ट किया गया था, एरिया लॉस्ट हुआ था, उसे वो वापस पा लेता है। तो इस तरह से अपनी लाइफ को काफी हैप्पीली एंजॉय करता है, पावर को एंजॉय करता है, मैरिड लाइफ एंजॉय करता है, बच्चे पैदा करता है, न्यूमरस वाइफ के साथ अपना जीवन बिताता है। तो इस तरह से ये एपिक एंड हो जाता है। आखिर में वो एक संसार जो है अपना त्याग देता है और एक जैन एसेटिक बन जाता है। इस तरह से ये एपिक एंड हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ एपिक है कुंडलकेशी। कुंडलकेशी का मतलब होता है, केशी मतलब होता है बाल, और कुंडल मतलब घुंघराले, मतलब घुंघराले बालों वाली। तो कुंडलकेशी घुंघराले बालों वाली लड़की की कहानी है। ये एक ट्रेजिक लव स्टोरी है। इस ट्रेजिक लव स्टोरी में एक हिंदू या कहे एक जैन लड़की है जो कि मर्चेंट क्लास से बिलोंग करती है, जिसका नाम है कुंडलकेशी। कुंडलकेशी को एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम है कलन, और ये कलन जो है एक बुद्धिस्ट क्रिमिनल है जिसे मौत की सजा सुनाई गई है। अब जो ये कुंडलकेशी है ये काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसके जो रिच मर्चेंट फादर है वो उसे कलन के बारे में बताती है। तो उसके फादर कलन के इस क्राइम को क्षमा करने के लिए और उसे रिहा करने के लिए मदद करते हैं। और फिर उसके बाद कुंडलकेशी कलन दोनों विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। बट धीरे धीरे टाइम के साथ उनका प्यार फीका पड़ जाता है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक आर्ग्यूमेंट के दौरान कुंडलकेशी कलन के क्रिमिनल पास्ट के बारे में उसे याद दिलाती है, जिस वजह से कलन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद कुंडलकेशी और कलन दोनों एक पहाड़ी पर घूमने के लिए निकलते हैं। जब वो पहाड़ी के टॉप पर पहुंच जाते हैं तो कलन कुंडलकेशी से कहता है कि वो अब उसे मारने वाला है, इस पहाड़ी से वो उसे धक्का देकर मार देगा, जिस वजह से उसकी जो वाइफ है कुंडलकेशी वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है कि मरने से पहले उसकी एक इच्छा है। वो कहती है कि वो अपने पति को, मतलब कुंडलकेशी कलन को, एक भगवान के रूप में देखती है और मरने से पहले वो उसकी परिक्रमा करना चाहती है। परिक्रमा करना चाहती है यानी कि उसके अराउंड घूमना चाहती है 3 बार। तो इस बात के लिए कलन एग्री हो जाता है। तो जब कुंडलकेशी कलन के परिक्रमा करना स्टार्ट करती है, परिक्रमा करते करते जब वो कलन के पीछे आती है तो वो कलन को धक्का दे देती है पहाड़ी से और कलन नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। बट इस घटना के बाद कुंडलकेशी काफी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने उसी को आदमी को मार डाला जिससे, उसी आदमी की हत्या कर दी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जो उसका पति था। फिर इस घटना के बाद वो काफी रिलीजियस ग्रुप के टीचर्स से मिलती है, फाइनली बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लेती है, संसार त्याग कर एक भिक्षुणी बन जाती है और निर्वाण अचीव कर लेती है। इस तरह की स्टोरी है कुंडलकेशी एपिक में। नेक्स्ट है वालैयपति। वालैयपति एक तमिल एपिक है जो कि 5 महातमिल एपिक में से एक है, लेकिन ये आजकल लगभग पूरी तरह से खो गई है। ये कहानी एक व्यापारी के बारे में है जिसकी 2 पत्नियां होती है। एक पत्नी को वो छोड़ देता है जो कि प्रेग्नेंट रहती है, जिसे उन्हें एक लड़का होता है, और उसकी दूसरी पत्नी के साथ भी उसके बच्चे होते हैं। तो छोड़ दिए पत्नी का जो बेटा है, जब वो स्कूल जाने लगता है तो उसके फ्रेंड्स उसे परेशान करते हैं, कहते हैं कि उसे उसके फादर का नाम नहीं पता। ये देखकर उसकी मदर अपने हस्बैंड का नाम बता देती है, यानी कि वो छोटे बच्चे का फादर का नाम क्या है ये बता देती है, और कहती है कि उसके फादर व्यापारी है। फिर बेटा अपने फादर के सर्च में निकलता है, वो अपने फादर से मिलता है, बट उसके फादर उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं, उसे पहचानते नहीं है। फिर कुछ गॉडेस की मदद से, या कहे देव शक्ति से, बेटा अपनी माँ को लेकर अपने पिता के सामने आता है, जिससे उसका रिश्ता साबित होता है। तो एंड में उसके जो फादर है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, और उसके फादर अपने बेटे को अपना नया व्यापार शुरू करने में मदद भी करते हैं। इस तरह से यह एपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है थिरुकुरल। थिरुकुलर का लिटरली मीनिंग है सेक्रेड वर्सेस, जिसे बाइबल ऑफ साउथ के नाम से भी जाना जाता है, और शॉर्ट में उसे कुरल कहते हैं।
जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के लिए बाइबल ये काफी पवित्र किताब है, ठीक इसी तरह तिरुकुलर भी एक पवित्र किताब है। एंड इट इज अ क्लासिकल तमिल लैंग्वेज टेक्स्ट जो बनी है 1330 कुपलेट्स या फिर कहे कुरल्स से। इस टेक्स्ट को 3 बुक्स में डिवाइड किया गया है जिसमें आरंभ धर्म, अर्थ और काम के बारे में बताया गया है, और इसे कंसिडर किया जाता है एज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑन एथिक्स एंड मॉर्टेलिटी, और इसे उसके यूनिवर्सल नेचर और सेक्युलर नेचर के लिए जाना जाता है। थिरुकुलर को लिखा गया है थिरुवल्लुवर ने, और थिरुवल्लुवर को प्यार से वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेडिशनल अकाउंट के हिसाब से इसे लास्ट वर्क माना जाता है थर्ड संगम पीरियड का, जबकि लिंग्विस्टिक एनालिसिस बताते हैं कि इसे 450 to 500 CE के बीच में कंपोस्ट किया गया था आफ्टर द संगम पीरियड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है भरतम, विच वॉज रिटन बाय पेरू देवनार। सो इस तरह संगम लिटरेचर का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कि आगे का टॉपिक संगम एज में सोसाइटी कैसे हुआ करती थी, इकोनॉमी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, इसके बारे में हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।